क्रिसमस की धूम हर तरफ मची है और आप लोग सोच रहे होंगे हमारे जो सेलिब्रिटीज है वो किस तरह से क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। तो हम आए हैं एक स्पेशल सेलिब्रिटी के घर, तो वो फुल मूड में है, फुल सेंटा क्लॉज बने हुए हैं। तो आपको गेस करना होगा हमारे साथ कौन है इस वक्त। देखिए देखिए, सेंटा क्लॉज है जो सबकी विश कंप्लीट करने वाले हैं इस क्रिसमस। तो बिना वक्त जाया करते हुए मैं बताना चाहूंगी हमारे साथ है जाने माने एक्टर मोहित मदन। मेरी क्रिसमस एवरीवन एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आने वाला साल आपका शुभ रहे और आप ऐसे ही खुशियां बांटते रहो और धूम मचाते रहो। मैं तो हर रोज़ धूम मचाता हूँ लाइफ में, कोशिश यही रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग खुशी से मनाएं, हर रोज़ सेलिब्रेट करो, एवरी डे काउंट्स। मोहित, हम देख रहे हैं आपके घर पे क्यूट सा क्रिसमस ट्री है और शायद आप अभी इसको डेकोरेट कर रहे हैं। जी, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ डेकोरेट करने की। एक मिनी मिनी सेंटा क्लॉज भी है हमारे पास। तो डेकोरेशन करना कितना पसंद है क्रिसमस ट्री का और क्या कुछ लाए हैं डेकोरेशन के लिए? देखो, लाइफ, आई बिलीव लाइफ इज ऑलवेज कलरफुल, तो मेक श्योर दैट यू स्प्रेड लॉट ऑफ कलर्स इन लाइफ, यू स्प्रेड लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस अराउंड। एंड मैं ज़्यादा ये फोटोज़ और ये सब शेयर किए नहीं है आज तक जो मैं करता हूँ लाइफ में, चैरिटीज़ एंड ऑल। तो लेकिन धीरे धीरे मैं सारी अपनी पुरानी फ़ोटोज़ शेयर करूँगा, थ्रो बैक यू कैन से। उस ऑब्वियसली उसमें मैं थोड़ा अलग लगूँगा बिकॉज वो एक एक साल, छः छः महीने पुरानी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं, दो दो तीन तीन साल, चार साल पुरानी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ हैं। तो आई हैव ऑलवेज सेलिब्रेटेड नॉट जस्ट क्रिसमस, व्हेन इट कम्स टू एनी अदर ओकेजन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई डेट का वेट मत करो, डोंट वेट फॉर अ क्रिसमस और अ न्यू ईयर और यू नो सम स्पेशल ओकेजन। मेक श्योर एवरी डे इज अ स्पेशल ओकेजन बिकॉज हर दिन में कुछ ना कुछ स्पेशल हमेशा होता है। एंड क्रिसमस तो हम चॉकलेट्स है, वाव, ड्रम्स है, जिंगल बेल है, थैंक यू, चॉकलेट, लिटिल चॉकलेट, वाव। और बचपन में किस तरह से होता था क्रिसमस सेलिब्रेशन मोहित? बचपन में मैं जो भी फेस्टिवल्स आते थे, लेट्स से अभी क्रिसमस की बात हो रही है तो जब आप बाहर जाते हो वो सेंटा क्लॉज बने बैठे होते हैं लोग बड़े बड़ी टमीज़ के साथ, तो आप बच्चे हम लोग क्या करते थे उस टाइम, फ़ोटोज़ खिंचवाते थे सबके साथ। तो मैं फ़ोटोज़ कम खिंचवाता था उस टाइम, लेकिन मैं सबसे पहले वो गिफ्ट चोरी करता था दो तीन, तो खुद के लिए नहीं अपने दोस्तों को दे देता। तो हम साथ में मिल बांट के इन्जॉय करते थे। तो यही है ज़िंदगी में, क्या है कि आप खुशियों से रहो, खुशी से रहो और एक दूसरे के साथ प्यार बांटो, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बिकॉज साल क्या स्पेशल होने वाला है क्रिसमस पे, क्या कुछ प्लान्स है? पार्टी शार्टी होगी या फिर एनजीओस जाओगे, गिफ्ट्स बांटोगे, किस किस की विश कंप्लीट करोगे? देखो, इस साल तो ऑलरेडी 2017 में अक्सर 2 रिलीज़ हुई, उसमें थैंक यू टू द ऑडियंस, मेरा काम बहुत पसंद आया, बच्चन सिंह का किरदार सबको अच्छा लगा एंड मेरे साथ साथ फिल्म में जितने भी मेरे एक्टर्स को एक्टर्स थे उन सबका भी काम आपको पसंद आया, सो थैंक यू वेरी मच। एंड अब आपको पता चल गया होगा मैं बच्चन सिंह जैसे रियल लाइफ में तो हूँ ही नहीं बिल्कुल भी। एंड लेकिन मैं हर साल चाहे वो क्रिसमस हो या कोई भी ओकेजन हो, मैं देखता नहीं हूँ डेट टाइम, जब मन करता है मैं चला जाता हूँ। आई एम टाइड अप विद सम फाउंडेशंस, तो उनके साथ जाता रहता हूँ, वेदर इट्स अ ब्लाइंड स्कूल, वेदर इट्स अ स्कूल फॉर वेदर इट्स ओल्ड एज होम्स, देन देर आर ब्लाइंड स्कूल्स, देन देर आर ऑर्फनेजेस, there are you know kids that are underprivileged, people that are underprivileged, so I go and celebrate my happiness with them, I spread happiness to them. क्रिसमस मोड है तो हम थोड़ा सा टाइम देंगे मोहित को, ये पूरा जो क्रिसमस ट्री है वो हम इनके साथ पूरा डेकोरेट करने वाले हैं। तो अपने फैंस को और अपने दर्शकों को, न्यूज़ नेशन के दर्शकों को एक बारी क्रिसमस के विशेस दे दो और कुछ मैसेज देना चाहते हो तो। आई जस्ट लाइक टू से मेरी क्रिसमस एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आपका आने वाला साल शुभ रहे और मैं चाहता हूँ कि आने वाला हर दिन, ना कि आने वाला साल, आज से लेकर फॉर एवर जब तक आप जियो, आने वाला हर दिन आपका अच्छा रहे। और निराश मत हो, कभी कभी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाती हैं लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, तो वो चीज़ ढूंढो और आगे कैरी फॉरवर्ड करो। आज में जियो क्योंकि आज आप जो प्लानिंग कर रहे हो ये आपका जो कल है, आने वाला कल बनने वाला है और ये जो है बीता हुआ कल भी बनने वाला है, तो मेक श्योर मेक टुडे काउंट एंड जो भी करो आप सच्चे और पूरे दिल से करो। तो जाने से पहले जिंगल बेल अगर नहीं गाया
तो फिर क्रिसमस पूरा भी नहीं होगा। तो लोगों के कान फट जाएंगे, मेरी आवाज इतनी अच्छी भी नहीं है। बचपन में कौन सा गाना गाते थे क्रिसमस के? बचपन में तो कुछ भी गाओ अच्छा लगता है, बच्चों की आवाज बहुत मीठी होती है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से, क्या नॉर्मली हम गाते थे ना, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ओह व्हाट फन इट इज टू राइड ऑन वन हॉर्स ओपन स्लेई, याद है? जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ओह ऑन द स्लेई। सांता क्लॉज की एक्टिंग तो कर ही सकते हो। सी उसके लिए ना बड़ी टमी भी चाहिए होती है, मेरे पास वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं, लेकिन हाँ उनकी जो थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ हैं मेरे पास हैं। आई एम ऑल्सो अ वेरी गिविंग पर्सन, आई एम अ वेरी लविंग पर्सन। तो हो विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट अहेड। ऑल्सो अ मेरी मेरी क्रिसमस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। आप भी जाइए और क्रिसमस का त्यौहार जो है खुशियों से मनाइए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीरज इमरान सिद्दीकी के साथ पूजा नवाथे, न्यूज़ स्टेशन मुंबई।